किसी टाइम काफी डेंजरस थी, अब सुनने में आया कंट्रोल हो गया और हमारे सामने है, हम इसे क्रॉस कर पर ऊपर ही रखना है, नीचे उतरना है ये लूप से। टैबो मिठा है पूरा। चलें फिर। चलो। स्पिलो 8 किलोमीटर जगह आएगी अगर स्पिलो। देखते हैं कैसे। स्पिलो। गांव ही लग रहा है कोई छोटा मोटा। एक छोटा सा ढाबा डूबा है। सही है, बीच बीच में मिलता है ना, फिर आदमी को थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी रहती है कुछ है। रूट तो पे तो सब कुछ है क्योंकि ये तो रूट सारा साल खुला हुआ है ना, सारा साल चल रहा है, इसलिए फैसिलिटीज हैं इसमें। देखो फिर से आया हैंगिंग। स्पिलो है, स्पिलो स्पिलो। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे मतलब 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसे करके आबादी तो है, वैसे छोटे छोटे कस्बे हुए पड़े। यहाँ आके समझ में आता है इंडिया ग्रो कर रहा है। नहीं मतलब ऐसे डिफिकल्ट रोड जगहों पे भी रोड बना बैठा है। नहीं दैट मीन्स काम तो हो रही है। बीआरओ ने गजब कमाल कर रखा यार, ऐसे डिफिकल्ट जगह पे बना रखा है ना। हाँ क्या ही हो रहा है, वही माता का मंदिर। बंजर हो गया पहाड़ पूरे। नहीं देखो फू 21 रह गया क्या। फू बंजर ही बंजर है। बाइकर्स थे, शूटिंग स्टोन भी कॉशियस। काजा 166 टैबो 122 और तो डिप्रेसिंग सी पहाड़ देखो सामने। तब बंजर चीज है यार, जीवन है ही नहीं लग रहा जैसे इधर। पहाड़ है यार ये, छोटा ब्रिज, नदी, रूपा वैली है उधर। कौन सी वैली? रूपा। रूपा वैली। हाँ हाय हाय क्या सामने देख रहा था, वही तो देख रहा हूँ। दिख रहा है कैमरे में? दिख रहा है, कवर हो रहा है पूरा। सोचा अभी भी खराब ही है ये रोड, लाइफ नहीं है, बंजर है, हार्डनेस दिखती है इधर में। नहीं देखा नेचुरल कार वॉश, मैं डर गई थी। मैं डर गई थी, गाड़ी ब्रिज साफ होगी बिना एफर्ट्स तो। सारी मिट्टी मिट्टी देखा हमें, बहुत सारे बंजर पहाड़ों के बाद ये दिखा थोड़ी सी हरियाली। जगह का नाम क्या है? नहीं मैं तो पानी पी रही हूँ, आप नहीं पी रहे हो इसलिए। क्या कर रहे हो? ORS। क्योंकि अब थोड़ा सा धीरे धीरे ना सर भारी होना चालू हो रहा। नहीं हाइट बहुत ज्यादा होगी ना। हाँ गेन कर गया ना। वैसे भी अगर सिम्टम्स ना भी हो ना तो एडवाइस, वैसे जितने भी हाई अल्टीट्यूड रीजन पे हम लोग गए हैं, पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, हर एक वीडियो में मैंने आपको एडवाइस दी ही है कि हाई माउंटेंस अगर आप जाओ ना तो पानी पीते रहो, हो सके थोड़ा सिम्टम्स लगे तो ORS भी पीते रहो, ठीक है। इससे बॉडी एक तो डिहाइड्रेट नहीं होगी, दूसरा सही रहेगा सब सिस्टम, क्योंकि AMS अगर होगी ना एक्यूट माउंटेन सिकनेस तो प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो जाएगी। लॉन्ग जैसा थोड़ा जब भी दिखाई।
नहीं किलोंग से भी ज्यादा फीलिंग आई है, वो वैसे वाले आए नेक्स्ट जो आता नहीं है क्या बोलते उसको, किलोंग से आगे जाता है जिस्पा से भी आगे सार्च वैसी वाली फीलिंग तक तो किलोंग वाली है, सही बात है। नहीं है मेरे को तो सार्च वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ हम रुके हुए हैं, सामने एंट्री हो गया। भूख लगी आपको? आप तो बोल रहे फ्रूट खाओगे, फ्रूट दे रहा आपका मैंने, मेरे ख्याल से दिन दिन में निकल लो, बोलो खाओ ना, टेस्टी लग रहा है, और टेस्टी लग रहा है, थोड़ा मीठा हो गया ज्यादा। ऊपर स्टोन दे कैसे खड़े हैं मिट्टी पे, रोड भी कमाल का सिनेटिक व्यू दे रहा है, पर मेंटेन करनी पड़ती है इनको, बॉर्डर के नाल चलते हैं तो इनकी मूवमेंट कैसे होगी। ओहो हो, ये देखो पूरा खड़ा पहाड़, ये सारा बंजर है, स्टोन एरिया है मतलब। हां, अब पूरा बंजर है, और ये देखो आएगा सामने बड़ा मस्त व्यू आएगा, बीआरओ वाले ही हैं इधर तो, उसके नीचे इधर फोटो खिंचवाए क्या आगो, फोटो खिंचवाए इधर में खिंचवाए थोड़ा, पुल पर गाड़ी खड़ी ना करें बीआरओ, साइड में खड़ा कर दो ना इधर, नहीं वाओ क्या हवा आ रही है, यही है वो लूप्स, ये रहा लूप्स सारे, ये सारे लूप्स सही है, ऐसे 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 यार, नहीं चलो अच्छा हुआ थोड़ा सा आपने रुक के थोड़ा सा इसको ठंडा होने दिया, नहीं चलो सामने के नजारों का मजा लीजिए, एक दो तीन चार पांच बैंड है, पहला बैंड दूसरा आ गया, तीसरा बैंड शायद, चौथा पांचवा आ रहा है, नहीं अभी है टेन पांच, अभी दो चार हो गए, दस होंगे ना टोटल, सिक्स्थ वन स्ट्रेटेजिकली भी नहीं, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा थोड़ा देख के चलना पड़ता है, ऑब्वियस है। अब आपका क्या बोलते हैं, चाइना बॉर्डर से पास है, पैरेलल चल रहा है अगर तो, मतलब ये जो रोड जा रही है ना, देख रहे हो ये सारी, वो देखो ऐसे ऊपर चढ़ रही है, वही तो सब चढ़े जा रही है, कारूप्स है शायद इनका नाम, हाँ, एंड बॉर्डर है ना जो चाइना बॉर्डर नहीं, मैं बोलूँगा मैं तिब्बत बॉर्डर बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ नॉट चाइना, दैट इज़ तिब्बत, लीगली ऑक्युपाइड बाय चाइना, तो बिल्कुल साथ चल रहे हैं, मतलब इन्हीं पहाड़ों के पीछे तिब्बत बॉर्डर है, गाटा लूप से कम नहीं है, नहीं गाटा लूप तो बहुत था यार, बैंड बजा दिया था गाटा लूप की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सड़क वो नहीं है नैरो है, हाँ इतनी तो नहीं है, सिंगल वाली, सिंगल से थोड़ी, हाँ सिंगल से थोड़ी ज्यादा थी, अब
मेरे ख्याल से खत्म है। देखे इधर से लूप्स के फोटो आ जाएंगे तो और ऊपर जाके पता चलेगा क्या हो रहा है। कहाँ पे खड़े होके होगी बस चले चलो रुकते नहीं यहाँ पे चल रहे बस कौन सा नाको आएगा कुछ खा भी लिया जाए से खाने का तो मेरा मन नहीं है पर आपको खाना तो खा लो। वाओ वाओ सर घूम रहा है मेरा थोड़ा थोड़ा। एक ये देखो टेक्निक देखो पेट्रोल ले जाने का एक देखो अरे कितना चढ़ाएगा ये तो ऐसे इतना चढ़ गए हम लोग गाड़ी को भी थोड़ा आराम की जरूरत तो है ही सही बोले तो नहीं यही है ना खा ले तो बहुत कुछ होगा। 3 दिन में पहली बार ये दाल अच्छी लग रही है। चलो अच्छी बात है रोटी भी अच्छी है तो खाने के लिए रुके थे हम कहाँ पे नाको में भूख लगी थी बड़ी जरूरी था यस चलो खाओ खाओ निकलते हैं फिर आगे एंड थोड़े लिमिटेड से ही हैं यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस मतलब खाने के बाद चाय पीनी है ना कि नहीं चलो पियो जल्दी निकलें फिर। दोस्तों इस रूट पे ना जब आप शिप्ला वाले साइड से आते हो तो एक ही वाटर क्रॉसिंग पड़ती है दैट इज मलिंग नाला किसी टाइम काफी डेंजरस थी अब सुनने में कंट्रोल हो गया हमारे सामने है हमें इसे क्रॉस करना है देखो कैसे क्रॉसिंग होती है थोड़ा सा दिक्कत तो मुझे लग रहा है शूटिंग स्पिन जोन ड्राइव केयरफुली मलिंग नाला यार ये अब उतनी दिक्कत नहीं है जितनी किसी टाइम हुआ करती थी थोड़ी सी तो है हाँ बाकी थोड़ी सी तो है देखना पड़ेगा निकल जाएगी बड़े आराम से ऊपर ऊपर ही रखना गाटा लूप जैसी लूप्स है ना चलो मैं दिखाता हूँ थोड़ा मूनलैंड भी है सामने मैं दिखाता हूँ वो लद्दाख वाली जैसी मूनलैंड है ना लामा यूरू में वैसी मिलती जुलती रुकिए ये यहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना ये सड़क सीधा जा रही है एंड देन अभी हमें नीचे उतरना है ये लूप से एंड वो सामने देखिए मूनलैंड मतलब ये जगह मून के जैसी है इसलिए इसका नाम मूनलैंड है इसका नाम मूनलैंड नहीं है एक्चुअली लद्दाख में एक जगह है लामा यूरू में विच इज़ कॉल्ड एज मूनलैंड एंड ये भी एग्जैक्टली उसी की कॉपी है एंड लूप्स आर ब्यूटीफुल और सामने के नज़ारे मतलब पूछो ही मत चले फिर करे कंटिन्यू चलो जा रहा है होम स्टे का ये पक्का होटल वाला अभी कंसेप्ट होगा इसके पास नहीं
और मौसम और नेटवर्क नहीं सजा बंजर जगह पे। ये वो याद आ गया जब वहां जा रहे थे ना, जब ले जा रहे थे ना, तो वो तो नहीं हूँ पूरा लेह वाली फीलिंग पूरी। इतने बड़े बड़े पहाड़ उधर ही थे और कहीं नहीं थे, ऐसे सुनसान बंजर टाइप पहाड़ उधर ही मिलते हैं। ऐसी जगहों पे के लिए रात को ड्राइव करना तो मुश्किल है। नहीं सुहाना सफर और मौसम हसी, ये मुझे लग रहा है ये सुंदर है। एंटर कर चुके हैं हम लोग स्पीति वैली में। नहीं यस मतलब स्पीति वैली इन दैट सेंस हम लोग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अगर लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। दिख तो दिया के बाद जैसा कि हमें बताया गया था कि रोड ऐसी हो गई है नैरो सिंगल लेन। ठीक है चलो देखते हैं आगे कितना टाइम लगेगा। बस वही बात है, स्पीड तो ऑब्वियसली कम होगी। बस दिखा रहा है काजा एकदम रिवर के साइड में ही बसा पड़ा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं रिवर भी बड़ा खतरनाक वाला रिवर दिख रहा है। छोटू मोटू सा रिवर भी दिख रहा है मुझे, हुरलिंग है ये, आप हुरलिंग ना किया करो। इतने डेंजर चीज के बाद इतना सुंदर सा कुछ चीज देखने को मिल रहा है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टेइंग ऑप्शंस है, ढाबा कैफे कुफे सब मिल जाए। वैसे इवनिंग टाइम होने से ना और भी अच्छी लग रही है खूबसूरती। तो दोस्तों सुमदो से काजा ना आपको बड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करना है एंड डेफिनेटली आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि अंधेरा पड़ने से पहले पहले आप ये सारा रास्ता कवर करके यहाँ से निकल जाएं। पूरे कच्चे पहाड़ ये देखो, सारे सड़क पे गिरे हुए पहाड़ हुए किलोमीटर पहले वो मॉनेस्ट्री है कोई यहाँ पे ऊपर में, ऐसा ही था वहाँ पे ब्रिज जो बह गया, वो पीछे जो बह गया था ना ब्रिज, मॉनेस्ट्री है। चालीस किलोमीटर टैबो से वहां पड़ेगा, वैसे तो 50 किलोमीटर है।
हम इस वक्त टैबो विलेज। टैबो में अंदर एंटर हो गए हम विलेज में। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि होम स्टे मिल जाए बढ़िया सा एंड यहाँ पे बैठ जाए, फिर यहीं रुक जाएंगे। कहाँ रुक गए हम लोग? टैबो। टैबो में। टैबू। टैबू के टैबो 40 किलोमीटर है ना काजा से पीछे। यहाँ पे कोई योगा वाले कोई आए हुए हैं, उनका कोई सेशन है, मतलब सीजन है, मतलब तो ऑलमोस्ट हर गेस्ट हाउस पैक्ड है। मेरे को लग रहा है आधे घंटे बाद आते तो मैं ये भी नहीं मिलना था। आगे जाना पड़ता है। जिसके पास भी जा रहे कह रहे पैक पैक पैक। तो काजा हम इसलिए नहीं गए क्योंकि एक रोड नैरो थी आपने देखा, दूसरा था 3 दिन से अब ड्राइव ही हो रही है कि एक इवनिंग बैठ के स्पेंड करें। अदरवाइज वही होता कि 9 बजे पहुँचते है ना, खुद की कुकिंग कर पाते ना कुछ, वहीं बैठे रह जाते मतलब। तो फिलहाल ये होम स्टे हमने बुक कर लिया, नाम इसका पता नहीं, प्राइस है 1200। रूम अच्छा है, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। कंसेशन दिया हमने 1500 बोला था। विदाउट फूड है ये, तो फूड हम अपना खुद का कुक करेंगे रात को, ठीक है। एंड व्यूज़ बहुत अच्छे हैं आसपास के, ठीक है। मेरे पीछे आप देखो बहुत ही हाई माउंटेन पासिस हैं, जस्ट लाइक लद्दाख वाली फीलिंग है पूरी, है ना श्वेता? मतलब ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गाँव। बाकी मॉर्निंग में व्यू और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर में फिर आपको मिलते हैं कुकिंग में, इसके बाद अंधेरा बढ़ जाएगा, तो ठीक है, सी यू शॉर्टली। दुकान है उधर भैया? दुकान है रोड पर गली। ओके थैंक यू। हम लोग पनीर खरीदने के लिए जा रहे हैं, पीछे एक दुकान था वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। पनीर डेयरी प्रोडक्ट भी सारे खा चुके हैं यहाँ के लोग। हाँ दूध तो है। तो देखने में मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, मैं फ्रंट करके रखी हुई, गली कुच्चे से गुजर रहे हैं हम लोग। तो फिर वो दूध काम करो ना मेरे को। दे दूध है एंड हम जा रहे हैं कहाँ पे? हम जा रहे हैं पनीर खरीदने। चलो देखते हैं, मेन रोड पे आ गए हम लोग, चलते चलते मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलेगा मिलेगा। ये शॉर्टकट है, मुझे लग रहा है हम लोग लॉन्ग कट उधर से आए थे ना। हाँ हो सकता है। चलो ठीक है मिलते हैं। कुकिंग प्रोसेस स्टार्टेड। चल बढ़िया कर। सोया चॉप एंड पनीर है ना, मस्त हो रही है कुकिंग। एंड ये रूम है अपना। हो गया? यस बहुत। आपकी वजह से आप बीच बीच में बंद कर दे रहे थे गैस। दे आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। कल सुबह पहुंचेंगे फिर काजा। ओके ओके।